उधर कोटा के जमनी उच्च विद्यालय में छात्र ने अपने ही वर्ग के लड़के पर छेड़खानी का आरोप लगाया, लेकिन उस पर कार्रवाई या दंड देने के बजाय पीड़ित छात्रा को ही वहां के प्रधानाध्यापक ने उल्टा डांट फटकार लगा दी। और अब जब बच्ची के अभिभावक अपने बच्ची की शिकायत को लेकर प्रधानाध्यापक के पास आए तो उन्हें भी ये कहकर भगा दिया गया कि अगर प्रशासन को सूचित किया गया तो फालतू का लफड़ा बढ़ जाएगा। वहीं मौके पर मौजूद ग्रामीणों का कहना था कि विद्यालय में अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो बेटियों को पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। बच्चे जो है हाई स्कूल है, प्लस टू है, क्लास में सभी को एजुकेशन है, तो ऐसे स्थिति में और लड़कियां दोनों साथ साथ बैठते हैं, प्रयास किया जाता है कि सद्भावना का माहौल बना रहे, बच्चे और बच्चिया में कहीं कोई छेड़छाड़ हो, हंगामा नहीं हो। विद्यालय प्रबंधन इस बात का हमेशा ख्याल रखता है, इसके लिए वर्ग शिक्षक भी है, वर्ग शिक्षक के पास में एजाजत के पास में संज्ञान दिया था, कंप्यूटर टीचर भी इस मामला को देखते हैं, कंप्यूटर टीचर के पास में भी इसका संज्ञान दिया था, हमारे पास में आज सवेरे में संज्ञान आया है। तो यहाँ पहले स्कूल छोटा मोटा बात होता है तो हम लोग पहले प्रिंसिपल पर छोड़ देते हैं जी, लेकिन इधर छेड़खानी की बात आ जाती है तो फिर हम लोग अपने स्तर से उसका जो कानून कार्रवाई प्रक्रिया होती है उसके तहत हम लोग कार्रवाई करते हैं। इस वक्त सर आप क्या गार्जियन की तरफ से सर आपको क्या कॉल मिला हुआ है? सर गार्जियन की तरफ से बोल रहा है कि हम लोग प्रिंसिपल साहब अभी बोलेंगे कि लड़का को टीसी काट के हम लोग ऐसे उसको यहाँ स्कूल से बाहर भेज दे रहे हैं। अब इनके फेवर में जो भी होता है लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।